أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Oh,
सखी है न कोई मुझे सवरीब, न कोई तुझ सखी है न कोई मुझे सवरीब, चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबी नसीब, है रिजा तेरी रिजा अब कि तुम कितने हो करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, क्या जो दो करम है शहे तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं बात में वाला तेरा। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وزينة الأشياء. ये मिलाद शरीफ की महफिल है, इस मुबारक महफिल में हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि अपने प्यारे आपा और मौला हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हालात और नूरानी वाकयात का जिक्र करें और नहायत ही इत्मीनान व सकून के साथ गौर से सुने। आप लोग फिर एक मरतबा सारे जहां के आपा और मौला हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। जिस जगह भी अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है, वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चनांचे हदीस शरीफ में आया है, इन ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलु रहमत, यानी अल्लाह वाले के जिक्र के वक्त रहमत का नुज़ूल होता है। जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है तो जो तमाम सालिहीन और मुनसलीन के पेशवा और सरदार हैं और जिनका जिक्र खुद खुदा तआला का जिक्र है,
उनकी तज़किरा के वक्त किस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, और ऐसे ही मुक़द्दस महफिलों में शिरकत करने वालों के मुरादे किस दर्जे बुलंद होंगे, भला इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान अपनी चश्मदीद शहादत में तहरीर फरमाते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में 12वीं रबी अव्वल की महफिल मिलाद में हाजिर था। मैंने देखा कि एक बैल कुछ अनवार उस महफिल मुबारक से बुलंद हुए, जिसे देख कर गौर फिक्र किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार फरिश्तों के थे जो ऐसे मुकद्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते थे। बगदाद शरीफ में जब्बार नामी एक बड़ा ही आशिकी रसूल सौदागर हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत में हर साल खूब धूमधाम से महफिल मिलाद पाक मुनाकिद किया करता था। इसके पड़ोस में एक यहूदी भी रहा करता था। एक बार मिलाद शरीफ के दिन यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि आज सौदागर के घर कैसी खुशी है। यहूदी ने बताया कि एक जश्न मिलादुन्नबी है। औरत मिलाद पाक के तसव्वुर में सो गई, ख्वाब में देखती है कि सौदागर का मकान नूर से मामूर है। फिर यकायक क्या देखती है कि एक सवारी उस शान और शौकत से आई कि देखने वाले दंग हो गए। फरिश्तों की फौज और असहाब का लश्करा भी सभी मौजूद और सबकी जबान पर सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला नबीना का तराना। जिस वक्त साहिब सवारी रौनक महफिल हुए, सौदागर के जुल्मत का मुकद्दर जाग उठा और तमाम दर अफ्ताब के मशाल से रोशन हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पे पढ़ता है तो मेरा रब उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुना माफ करता है और उसके 10 दर्जे बहशत में बुलंद फरमाता है। रिवायत है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कूहे तूर पर नवाजा गया तो इन्होंने खुदा तबारक व तआला की मुकद्दस बारगाह में अर्ज किया, इलाही तूने मुझे ऐसी नियामत से सरफराज फरमाया है कि मुझसे पहले किसी को ऐसा मकाम अदा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, हमने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया, इस मकाम से नवाज दिया। फ़ुज़ मा अतैनाका व कुन मिनश्शाकिरीन व मुत अला तौहीदिन बहुत ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपको जो दिया गया ले लीजिए और उस पर शुक्र कीजिए और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि क्या या अल्लाह, मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इलाउला मुहम्मद वउम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वलन शम्स वलन क़मर वलन लैल वलन नहार वला मलक मुक़र्रम वला नबी मुरसलन वला इय्याक। तो तर्जुमा, अगर मोहम्मद और उनकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत दोज़ख़ सूरज चांद रात दिन फरिश्ते और अम्बिया किसी को पैदा ना करता, और ऐ मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। लौला लमा अजहर तू रबुबिया, यहाँ तक कि अगर वो ना होते तो मैं अपनी रबुबियत भी जाहिर ना करता। शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम। रिवायत है कि जिस रोज नूर मुहम्मद हजरत आमना को तफवीज हुआ, 12 जमादिल आखरी और जुमा की शब थी। इस शब को नूर मुहम्मदी ने जो शरफ और बुजुर्गी बख्शा वो बेशुमार व बेइंतहा। खुदावंद कुद्दूस ने तरह तरह की खैर बरकत दुनिया वालों पर नाजिल फरमाई। हुक्म हुआ कि तमाम जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएं
कि हमारा हबीब माँ के शक्म में आया है और आलम मलकुत व जबरूत में ये हुक्म सुनाया गया कि तमाम मुकद्दस मकामों को मुअत्तिल कर दिए करो कि सारे जहां खुशबू से महक उठे। अर्श कुर्सी ये मुर्सिदा जाफिजा सुनकर फर्द मुसर्रत से झूम उठी और फरिश्ते आपस में मुबारकबादियां पेश करने लगे। हजरत बीबी आमना ने ख्वाब देखा कि कोई कहता है कि तेरा शक्म में सारे आलम के सरदार हैं। जब वो पैदा हूँ तो उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रखना। जब हमल के 6 महीने गुजरे तो हजरत अब्दुल्लाह ने 25 बरस की उम्र में मदीना तैयबा में वफात पाई, जिस मदीने में बेटी की ताजदारी मुकर्रर थी। उसी मदीने में बाप ने दाई सुकूनत इख्तियार की। हजरत अमना खातून इस खबर से मजीद गमगीन हुई मगर कुछ नहीं और खुदावंद करीम की मर्जी बराजी बजा लाई। जब 9 महीने पूरे हुए और शब विलादत बासआदत नमदार हुई तो आप फरमाती हैं कि मैंने एक मुख्तसर जमात को आसमान से उतरते देखा जिनके पास 3 सफेद झंडे थे। उस जमात ने एक झंडा मेरे घर के सहन में गाड़ दिया, एक काबा की छत पर और एक बैतुल मुकद्दस पर। इस सहानी रात में आसमान के सितारे करीब आ रहे थे। उन सितारों की रोशनी ने तमाम दुनिया को नूर से भर दिया। मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुल रहे थे। मैं घर में अकेली थी, अब्दुल मुत्तलिब तवाफ के काबा को गए हुए थे। अचानक मैंने सफेद परिंदर के बाजू को देखा जो मेरे दिल पर मल रहा था। इसके असर से मेरी बेचैनी जाहिर हो गई। बाद में मैंने गौर से देखा कि मेरे सामने शरबत का एक प्याला है जिसका रंग बिल्कुल सफेद था। मैं उसे दूध समझकर पी गई। वो शहद से ज्यादा शीरीन था। फिर मेरे पास चंद औरतें आईं। उनमें से एक ने कहा, मैं मरियम ईसा की वालिदा हूँ। दूसरी ने कहा, मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ। तीसरी ने कहा, मैं हाजरा हूँ। बाकी सब बुरे हैं। हम सब आपकी खिदमत के लिए आए हैं। इसके बाद फरमाती है कि फिर एक आवाज आई जिससे मैं परेशान हो गई। देखा तो एक सफेद रेशम का चादर आसमान और जमीन के दरमियान लटक गई। एक पुकारने वाले ने कहा कि इसको दुनिया की निगाहों से छिपा लो। आसमान से औरतें उतर रही थी जिनके हाथों में सफेद आफ्ताब थे। फिर बादल का सफेद टुकड़ा जिसमें सबस रंग की चिड़िया झिकी चूचिया या सुर्ख नजर आई। ये देख कर मेरा बदन पसीना पसीना हो गया। जो कतरा टपकता था उससे कस्तूरी की खुशबू आती थी। क्या देखती हूँ कि मशरिक व मगरिब जमीन और आसमान रोशन हो गए। यहाँ तक कि शाम के महलात और मसैया के उल्टे की गर्दनें नजर आने लगी। इस नूर का मंदा मेरा वजूद था। आफ्ताब शौक और दीद से बेचैन हो रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी, हजर मस्ताने वाज झूम रहे थे। समंदर और दरियाओं का पानी ठिकेलिया खा रहा था। बाद सबा जन्नत के मुअत्तिल हुआ हर तरफ बिखर रही थी। गरज के कायनात आलम के जरिए जर्रे जर्रे में खुशी व फर्मी और जोश व मुसर्रत के आसार जाहिर हो रहे थे। चरणचे 12वीं रबीउल का मुताबिक 20 अप्रैल सोमवार के दिन सुबह सालिक के वक्त आदम की पेशानी का नूर व इब्राहिम के दिल का सुरूर, इस्माइल की राहत जान, आशिम अब्दुल्ला के घर की शान, गरीबों का हामी, बेकसों का सहारा, बीवी आमना खातून के सिख मुबारक से उस जहान खाकी में तशरीफ लाए। ये अदब एहतराम का मकाम है, लिहाजा नहायती अकीदत मोहब्बत और फरसात उमानी के साथ मद्दम और बस्ता खड़े होकर साथ कौसर शाफी महसर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिसालत व अज़मत पना में सलात व सलाम का नजराना पेश कीजिए।